everyone, welcome back. I hope you and your family are fine and all of you are safe. अभी time बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है. मैंने भी एक लंबा सा ब्रेक ले लिया था, सिचुएशन सही नहीं था, लेकिन अभी सब ठीक है. तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, मेरे पास ट्रैवल वीडियो था, लेकिन ऐसे टाइम पे मुझे मन नहीं हुआ कि मैं आपके साथ ट्रैवल वीडियो शेयर करूं. और DIY या फिर कोई भी डेकोर वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाती है, तो वो भी मैं नहीं कर पाई. तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आज मैं आपके साथ मेरा जो DIY जो कुछ भी किया है, तैयार किया है पिछले कुछ दिनों से, वो शेयर करने वाली हूँ. आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. एक्चुअली इस लॉकडाउन के दौरान कुछ भी बाहर जाके खरीद नहीं सकते, तो जो भी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी बची कुछ चीज़ों से ही मैंने कुछ DIYs किया है. तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, पुट अ कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंडियन ब्लॉगर सुतपा सिंह, एंड ऑल्सो प्रेस द बिलो बेल आइकन सो दैट एज सून एज आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू रिसीव द नोटिफिकेशन. सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ये है एक प्लास्टिक प्लांटर, इसे मैं पेंट करने वाली हूँ चॉक पेंट से, और ये चॉक पेंट मैंने घर में तैयार किया है. मैंने लिया है मोल्डेड क्ले और इसे अच्छे से एक डो बना लूंगी. इस क्ले से मैं बना रही हूँ छोटे छोटे फ्लावर पेटल्स. पिकल के मदद से इन सारे पेटल्स को मैं इस पॉट के ऊपर स्टिक कर रही हूँ, जिससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर तैयार होने वाला है. तरीके का तीन फ्लावर मैंने बना लिया है की मदद से, काफी सारे लीव्स बना लिया है और इस पॉट के ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है. इस प्लांटर का एक बेहतरीन लुक क्रिएट करने के लिए इस प्लांटर के दोनों साइड में मैंने क्ले के मदद से हैंडल बना दिया है. अभी ये प्लांटर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और मेरा सबसे जो फेवरेट पार्ट है कलरिंग करना, तो अभी मैं डिफरेंट एक्रेलिक पेंट से ये प्लांटर को पेंट करने वाली हूँ. Thank you.
कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। और डेकोरेट करने के लिए मैंने क्ले के मदद से ही ये लीव्स और ये जो रेड कलर का बीज सब दिख रहे हैं इसे मैंने बनाया है। प्लांटर को आप एज अ हैंगिंग प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही टेबल पे या कहीं पे भी रख के भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे हैंगिंग बनाया है और हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए इसके दोनों साइड में नेल के मदद से दो होल बना दिया है। इस तरीके के प्लांटर में आप प्लांट भी हैंग कर सकते हैं। मैं कुछ डेकोरेटिव कलरफुल फ्लावर्स के साथ इसे डेकोरेट की हूँ। And I think it is really looking pretty. मैं जो दूसरा DIY बनाने वाली हूँ इसे as a hanging planter या फिर hanging candle holder की तरह भी use कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं use कर रही हूँ कुछ आइसक्रीम स्टिक्स एंड फेविकॉल। दो डिफरेंट कलर के आइसक्रीम स्टिक्स को मैं फेविकॉल के मदद से स्टिक कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसे बनाने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स की इस्तेमाल कर रही हूँ तो नीचे का जो बेस बन रहा है काफ़ी लाइट वेट होने वाला है, तो इसमें आप लाइट वेट के प्लांट या फिर कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं। आपको नीचे का जो बेस है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एक के जगह आप दो आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करके इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। मैं इसे एज अ कैंडल होल्डर यूज कर रही हूँ। ये है हमारा आज का थर्ड DIY। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक प्लाईवुड पीस जो कि घर में पड़ी हुई थी। इस
में मैं रैंडमली कुछ डिज़ाइन ड्रा कर रही हूँ। मेरे पास कोई ब्लैक एक्रेलिक पेंट नहीं था, तो इसके लिए मैं ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें ब्लैक स्प्रे पेंट यूज़ किया है। इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। पेंटिंग चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा डिज़ाइन बना लिया है। अगर शेयर करने जाती तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। ये है कुछ हुक्स जिसे मैं प्लाईवुड के जो नीचे वाले पोर्शन है यहाँ पे मैं फिक्स करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सारे हुक्स को फिक्स कर लिया है।
ये है हमारा आज का फोर्थ एंड लास्ट DIY। ये है एक पेंट कंटेनर लीड। पर्पल कलर से मैं इसे पेंट कर रही हूँ। इस तरीके का प्लांटर होल्डर बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। इस लीड के ऊपर मैं चार जगह में दो दो करके होल बना लिया है। मेरे पास ये कॉटन रोप है जिसके मदद से मैं इसे हैंग करने वाली हूँ। हमारा आज का बहुत ही इजी एंड सिंपल सा हैंगिंग प्लांटर जो कि बनके तैयार हो चुका है और दिखने में भी काफी सुंदर लग रहा है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना और लाइक भी देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं। स्टे सेफ एंड पॉजिटिव। बाय बाय। टेक केयर।